हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेटफैक्ट एकेडमी में। मैं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेते समय तीन जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं उनका आपको ध्यान रखना चाहिए। और उन्हीं तीन महत्वपूर्ण बातों में से जो है उसमें जो पहली जो महत्वपूर्ण बात थी जो कि डॉक्यूमेंट्स और शपथ पत्र को लेकर के थी, उसके बारे में हम जो है कंप्लीट वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें आपको जो है सारी जानकारी मिल जाएगी डॉक्यूमेंट्स के बारे में और शपथ पत्र के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को जो है पूरा स्किप देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है, और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर जो है नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि देखने वाले तो बहुत लोग हैं, 10-15 हज़ार लोग से ऊपर जो है नए व्यूवर्स जो है हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब अब कर लीजिए, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि आपकी जो है काउंसलिंग प्रक्रिया जो है शुरू होने वाली है। अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो समझ लीजिए फिर कभी सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे और आप हमारी इन्फॉर्मेशन का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा और ऑल जरूर क्लिक करिएगा ताकि सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जानते हैं कि जो चार डॉक्यूमेंट्स होते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, चारों का होना आपके पास बहुत जरूरी है। अगर ये चार नहीं है तो आप जो है लास्ट में आपकी मेरिट लिस्ट कितनी भी हाई क्यों ना हो आपको काउंसलिंग प्रक्रिया से जो है बाहर किया जा सकता है, ये पूरी संभावना रहती है। और लगभग जो है 99% ये चांस रहता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं हुए तो आपको काउंसलिंग प्रक्रिया से जो है बाहर किया जा सकता है। तो ये चारों डॉक्यूमेंट्स आपके पास बिल्कुल रेडी होने चाहिए, बिल्कुल जो है न्यू फॉर्मेट में होने चाहिए। ठीक है, इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है नए होते हैं, कुछ जो है पुराने होते हैं। ठीक है, तो इनको जो हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे तो इसको जो है पूरा देखिएगा। इसमें सबसे पहले जो बात आती है, जो डॉक्यूमेंट्स आता है वो होता है बीएड बीटीसी डीएलएड का एनसीईटी का जो अप्रूवल लेटर होता है। ठीक है, आपका जो प्रशिक्षण कॉलेज होता है या जो बीएड कॉलेज होता है या बीटीसी कॉलेज होता है उसको जो है आपको एनसीईटी से क्या मिलता है, एक जो है अप्रूवल लेटर मिलता है, एक रिन्यूअल का अप्रूवल लेटर होता है जिससे ये पता चलता है कि वो कॉलेज जो है मान्यता प्राप्त कॉलेज है। ठीक है, और अगर वो कॉलेज जो है मान्यता प्राप्त कॉलेज है तो आपकी जो बीएड की डिग्री है या बीटीसी की डिग्री है या डीएलएड की जो डिग्री है वो जो है फर्जी नहीं है। ठीक है, तो ये अप्रूवल लेटर अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप एनसीईटी की वेबसाइट से जाकर के अपलोड कर सकते हैं और वहां पे आप अपने कॉलेज का नाम ठीक है डाल करके सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है पीडीएफ फॉर्मेट में ये लेटर जो है मिल जाएगा। या फिर आप अपने जो है कॉलेज से भी संपर्क करके एनसीईटी का जो अप्रूवल लेटर होता है उसकी एक फोटोकॉपी आप करा लीजिए, वहां से ले लीजिए और उसपे जो स्कूल का जो मोहर होता है, उस कॉलेज का जो ऑथेंटिक जो मोहर है उसको जो है लगवा करके उसपे जो है वहां के जो प्रिंसिपल होते हैं ठीक है या मैनेजर होते हैं उनके साइन उस पर करा लीजिए। ठीक है, तो ये जो है एक चीज जो है ये डॉक्यूमेंट जो है काफी जरूरी है, बीएड बीटीसी डीएलएड का या एनसीईटी का जो कॉलेज का जो अप्रूवल लेटर होता है वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर ये आपके पास नहीं है तो आपकी बीएड की डिग्री एक बार जो है मतलब शक के दायरे में आ सकती है। ये नहीं कहूंगा कि जो है आपको काउंसलिंग से जो है निकाला नहीं जाएगा, मतलब ये डॉक्यूमेंट्स का लेटर अगर आपके पास नहीं है तो ये नहीं कि आपको काउंसलिंग प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा, लेकिन ये लेटर आपका जो है ये प्रूव कर देता है कि आपकी जो बीएड की जो डिग्री है वो जो है वैलिड है और उस पर जो है खास कोई जांच नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर जो है आपने वो अप्रूवल लेटर नहीं दिखाया तो आपको जो है शक के दायरे में रखा जाएगा और इस पर जो है बाद में जांच होगी। ठीक है, तो ये लेटर जो है आप कॉलेज से निकलवा सकते हैं, ये आपको कॉलेज वाले दे देंगे। और ध्यान रखिएगा कि उसी ईयर का होना चाहिए जिस सेशन ईयर में आपने जो है वहां से जो है प्रशिक्षण जो है प्राप्त किया है। ठीक है, कोई दूसरे ईयर का मत ले आइएगा या अभी करंट का मत ले लीजिएगा, अपने सेशनल ईयर का जो है आप अप्रूवल लेटर जो है डिमांड करिएगा उनसे और मोहर साइन जरूर लगवा लीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज है शपथ पत्र। तो ये शपथ पत्र जो बनता है ये कोर्ट कचहरी से आप बनवा सकते हैं, चाहे जिला स्तर से चाहे कहीं से भी बनवा सकते हैं, मतलब कोर्ट से ही बनेगा कुल मिला जुला करके। किसी भी वकील को 100-150 रुपए दीजिएगा तो ये जो है शपथ पत्र बन जाता है। और ये शपथ पत्र आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है दो तरीके के शपथ पत्र इसमें जो है लगते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया में, बस ये होता है कि एक शपथ पत्र जो है काउंसलिंग के समय काम आता है और एक शपथ पत्र जो है काउंसलिंग के बाद लिया जाता है। ठीक है, तो इसका एक ऑप्शन भी होता है, ठीक है ऑप्शनल भी होता है, वो दूसरा तरीका है वो भी हम आपको बता देते हैं कि अगर आप शपथ पत्र नहीं बनवा पा रहे हैं तो आप वो तरीका भी अपना सकते हैं। यहाँ पे जो है शपथ पत्र जो है आपको एक बनवाना होगा और ये शपथ पत्र सिर्फ वही अभ्यर्थी बनवाते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी है, जैसे जन्मतिथि को लेकर कोई दिक्कत है और आप उसका सुधार अभी तक नहीं करा पाए हैं या नाम में दिक्कत है, जैसे नाम में खासतौर से किसी का हो सकता हो शॉर्ट में नाम लिखा हो, ठीक है तो वो उसको जो है शपथ पत्र में जो है बता सकते हैं कि ये इस नाम को ये पढ़ा जाए, या जैसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है जैसे आई होता है या डबल ई होता है तो कहीं आई लिख देते हैं कहीं डबल ई लिख देते हैं, या जैसे विजय में भी होता है या कोई कोई बी लिखता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसी कोई मिस्टेक है तो आप शपथ पत्र में उसका उल्लेख कर सकते हैं और ये बता सकते हैं काउंसलिंग नियोजन इकाई को कि इस चीज को ये पढ़ा जाए, ठीक है यही जो है असली है। और उसके कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स प्रूफ भी आप हमेशा अपने पास रखिएगा, जैसे आपके पहचान पत्र है, ठीक है ये सब चीजें आपको रखनी जरूरी होंगी। तो शपथ पत्र में जो है ये सारी चीजें जो है मेंशन की जाती है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं शपथ पत्र का जो दूसरा ऑप्शन होता है, अगर आपके पास जो है शपथ पत्र बनाने का आपको समय नहीं मिला तो आप क्या करेंगे।
आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने पास A4 साइज के जो है दो सादे पेपर रखने हैं, ठीक है, जो कि आपको फोटोकॉपी की दुकान से मिल जाएंगे, और एक आपको रसीदी टिकट रखना है, ठीक है, रसीदी टिकट जो है आप पोस्ट ऑफिस से लेकर रख लीजिएगा, और कम से कम कोशिश करिएगा कि 5-6 टिकट हमेशा आप अपने पास रसीदी टिकट रखे रहिए, ठीक है। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कहीं कोई गलती है या आपने जो है कचहरी या कोर्ट से आप अगर वो शपथ पत्र नहीं बनवा पाए हैं तो आप अपना स्वयं का एक शपथ पत्र जो है उस निवेदन इकाई के जो है सचिव को या डायरेक्टर को संबोधित करते हुए लिख सकते हैं और उसमें अपनी जो है समस्या को इंडिकेट करके है वो टिकट लगा दीजिएगा, रसीदी टिकट सबसे नीचे, ठीक है, और उस और आधा साइन जो है उससे जो है पढ़ने पे होगा और आधा उस टिकट पे कर दीजिएगा, तो वो भी एक शपथ पत्र होता है, वो भी जो है कानूनी रूप से जो है मान्य जाता है क्योंकि उस पर जो है गवर्नमेंट का रसीदी यानी राजस्व टिकट लगा रहता है, तो वो भी शपथ पत्र मान्य है, ठीक है, तो वो आसान भी है और सस्ता भी पड़ता है, जरूरी की कोर्ट कचहरी का ही जो है दिया जाए तो वो सस्ता पड़ता है, वो भी आप प्रक्रिया अपना सकते हैं, ठीक है। और एक शपथ पत्र हम आपको और बात कर रहे थे, वो शपथ पत्र जो है दिया जाता है आपका ज्वाइनिंग होने के बाद, ज्वाइनिंग होने का मतलब है कि जब आप काउंसिलिंग में बैठते हैं और आप मेरिट लिस्ट के अनुसार जो है आपका चयन कर लिया जाता है तब जो है वो आपको एक शपथ पत्र देना होता है, उसमें जो है खास तौर से जो है मुख्य बात ये होती है कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी जो है मेरी जानकारी में सही हो सकते हैं, ऐसा लिख करके देना होता है, और दूसरी चीज ये भी देनी होती है कि इससे पहले मैं कहीं दूसरी शिक्षक नियोजन इकाई में कार्यरत नहीं हूं, ठीक है, अगर और किसी जो है आप जो है इकाई में कार्यरत या किसी और सरकारी पद पे तो वो भी आपको लिख के देना पड़ता है, और साथ में वहां पे जो है इस्तीफा जो है आपको अलाउ करवा के लाना पड़ता है या एमएससी अलाउ करा के लाना पड़ता है, तो ये शपथ पत्र भी एक आपको देना पड़ता है, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों को देना होता है जिनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये दो तरीके के शपथ पत्र होते हैं, एक जो है आपको काउंसलिंग के समय अपने डॉक्यूमेंट्स की जो मिस्टेक होती है उनको लेकर के दिया जाता है, और एक आपकी ज्वाइनिंग के बाद जो है आप अपना एक डिक्लेरेशन देते हैं कि मेरे सारे प्रमाण पत्र सही हैं और मैं कहीं किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं हूं, तो एक वो होता है, ठीक है। तो आप कोर्ट कचहरी से भी बनवा सकते हैं या फिर आप चाहें तो एक सादे पेपर पे रसीदी टिकट लगाकर उस पर साइन करके उसको भी बना के दे सकते हैं, दोनों मान्य है, दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है अगला जो है तीसरे नंबर पे जो आता है वो एडमिट कार्ड आता है, इस बार एडमिट कार्ड की डिमांड जो है की गई है, और लोग काउंसलिंग जब आप लोग आवेदन पत्र जमा कर रहे थे तो आप लोगों से लिखवा भी ले गया है जिन्होंने एडमिट कार्ड नहीं दिया, लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक है गवर्नमेंट की, क्योंकि एडमिट कार्ड जो है जो नए अभ्यर्थी हैं उन्हीं के पास मिल पाएंगे, जैसे कोई 96 का हाई स्कूल इंटर पास है, कोई 98 का किया है, कोई 99 का किया है, कोई 2000 का किया है, तो ये जरूरी नहीं कि सबके पास ये एडमिट कार्ड है अवेलेबल हो, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें मांग करेंगे बिहार शिक्षा विभाग से कि एडमिट कार्ड वाली छूट जो है लोगों को दी जाए, क्योंकि ये एडमिट कार्ड सबके पास नहीं मिलेंगे, जो सही जो वास्तविक जो अभी अभ्यर्थी हैं जो अभी नए सेशन पास किए हैं उनके पास ये एडमिट कार्ड मिल जाएंगे, लेकिन सबके पास ये एडमिट कार्ड होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, और मुझे लगता है कि 90% लोगों के पास ये एडमिट कार्ड नहीं होंगे, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई एडमिट कार्ड मिसिंग जरूर होगा आपका, तो इससे जो है बिहार शिक्षा विभाग को जो है छूट देनी चाहिए हम लोग को कि ये एडमिट कार्ड से जो है छूट मिले, ठीक है। वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट कागज है क्योंकि इसके बिना काउंसलिंग प्रक्रिया में सबका आपको भाग लेने से वंचित कर दिया जाए, तो ये एडमिट कार्ड भी जो है काफी जरूरी है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि पहला है बीएड वाला जो है अप्रूवल लेटर आप कॉलेज का लीजिएगा, दूसरा शपथ पत्र आपको लिए जरूरी है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक है, और नहीं तो एक शपथ पत्र तो आपको देना ही है, अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आप एक रसीदी टिकट लगा कर रख लीजिएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड भी जरूरी है क्योंकि एडमिट कार्ड मांगा जा रहा है, लेकिन इसमें छूट सरकार को देनी चाहिए क्योंकि सबके पास अवेलेबल नहीं है। फिर है जाति आवास चरित्र प्रमाण पत्र, जाति जो है जाति प्रमाण पत्र में ध्यान रखिएगा कि जाति प्रमाण पत्र जो है कुछ लोगों को ही चाहिए होता है, जैसे बैकवर्ड क्लास के लिए जो जाति प्रमाण पत्र है उसका अलग फॉर्मेट है, ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका जो पुराना बैकवर्ड क्लास का जो जाति प्रमाण पत्र है वो चल जाएगा, शेड्यूल कास्ट का भी जो पुराना अगर उन्होंने बना के रखा है जाति प्रमाण पत्र तो वो भी चल जाएगा, शेड्यूल ट्राइब का जो पुराना जाति प्रमाण पत्र होता है वो भी चल जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ जो है दो लोगों के साथ है, एक EWS के साथ में है और एक EBC के साथ में है, ठीक है। तो EWS का जो सर्टिफिकेट होता है उसका फाइनेंशियल ईयर होता है जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो उनको खासतौर से ध्यान रखना है कि उनको अगर उनका जो है फाइनेंशियल ईयर EWS सर्टिफिकेट का जो है एक्सपायर हो गया तो वो EWS सर्टिफिकेट तुरंत नया बनवा लें, और इसकी वैधता जो है 6 महीने होती है, तो ये EWS का सर्टिफिकेट नया आप लोग अप्लाई कर दीजिए ताकि काउंसलिंग से पहले आपको मिल जाए, क्योंकि 6 महीने तक वैलिड होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो EBC के जो कैंडिडेट हैं जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको जो है ये बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि EBC का अगर रिजर्वेशन लेना है तो उनको नॉन क्रीमी लेयर वाले फॉर्मेट पे सर्टिफिकेट अपना जो है जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, अगर उन्होंने जो है नॉन क्रीमी लेयर वाला जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाया तो उनको काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा, ये भी जो है आवेदन देते समय कहीं कहीं फॉर्म पे लिखवाया गया है, ठीक है। तो नॉर्मल वाला फॉर्मेट नहीं चलेगा, EBC का जो नॉन क्रीमी लेयर वाला फॉर्मेट आता है उसमें आप अप्लाई कर दीजिए, आपको 15 दिन या 1 महीने में मिल जाएगा, नहीं तो काउंसलिंग से आपको बिल्कुल कंप्लीटली वंचित कर दिया जाएगा, दो लोग खासतौर से EWS वाले और EBC वाले ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। उसके बाद जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है ये आपका बनता है SP ऑफिस से बनता है, ठीक है, और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो आवेदन फॉर्मेट होता है वो भी SP ऑफिस से ही मिलता है,
ठीक है, आप वहां अपना जाइएगा तो एसपी ऑफिस में जो है एक आवेदन फॉर्म आपको मिलेगा। उस आवेदन फॉर्म को आप लेकर के उसमें फोटो वगैरह लगा के जो भी डिटेल्स मांगी गई हैं, जो भी पहचान पत्र के जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगा करके आप उसमें सबमिट कर देंगे। वो जो है डॉक्यूमेंट्स के लिए आपका जो है सर्वे होगा, वो जो है थाने पे भेजा जाएगा और थाने वाले जो है भेजेंगे आपके जो है पंचायत या मुखिया के पास, ठीक है। वहां से वेरीफाई करा के वापस थाने में आएगा कि इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद थाना जो है वेरीफाई करके लिख करके एसपी ऑफिस भेज देता है और फिर वहां से एसपी ऑफिस आपको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी कर देगा। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जो है अनिवार्य है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, ये ज्वाइनिंग के बाद भी दिया जा सकता है। और इसके साथ ही एक और जो है प्रमाण पत्र है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट वैसे ज्वाइनिंग के बाद बनता है, तो वो ज्वाइनिंग के बाद भी आप दे सकते हैं। ये दो ऑप्शनल है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट, आप ज्वाइनिंग के बाद भी दे सकते हैं। ये चार डॉक्यूमेंट्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपके पास नहीं होंगे तो फिर काउंसलिंग से आपको वंचित कर सकता है, तो बिल्कुल इसका जो है ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको समझ में तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।